आज की डोज हमारी जीत और खुशियों के नाम। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम नहीं कर रहे? करता हूं। अब इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। हेलो। तो तुम्हारी बात असद से हो ही गई? हाँ हो गई। यकीनन उसने तुम्हें बहलाकर मना लिया भी होगा। वो मुझे मनाता तब भी ना मानती मैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लहजे में मुझे पछतावा क्यों महसूस हो रहा है? पछतावा नहीं, हाँ दुख जरूर है। कोई फायदा नहीं, और अब ऐसे लोगों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके? पता नहीं, लेकिन हाँ दुख इस बात का कि मैं असद को अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दे चुकी हूँ। प्लीज ज़ारा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि वक्त गुजरने से पहले कुदरत तुम्हारे सामने सच्चाई ले आई। कुदरत हमसे क्या चाहती है ये हमें नहीं पता होता शर, ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरा फैसला सही था कि गलत। तुम्हें पता है ज़ारा, इंसान यही सोचते में ना अपनी सारी जिंदगी गुजार देता, लोगों की साजिशें दीवी अजियतें झेलता रहता, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ज़ारा मेरा यकीन करो, तुमने जो फैसला किया है ना वो बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं असद से जुदा होकर जिंदा रह पाऊंगी। अगर असद भी तुम्हें इतना ही चाहता है ना तो वो जरूर वापस आएगा, स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए। अल्लाह करे। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। Thank you.
मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे बाद में फोन करके मत करना। मैंने कहा ना